पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पहुंचे समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने मोदी और योगी को हिटलर की तर्ज पर चलने वाला बताया। आज देश को पहले भुखमरी की कगार पर पहुंचाया जा रहा है और फिर उन्हें तोहफे में गुड़ चना देकर वाहवाही लूटी जा रही है। आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और न ही कहीं पर कानून नाम की चीज बाकी रह गई है। दरअसल समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जो प्रदेश भर में चलाई जा रही है। हर जिले में यात्रा को ले जाकर संविधान को बचाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध जताया जा रहा है। जैसे ही मुरादाबाद पहुंचे तो अधिवक्ता सभा के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार चला रही है। देश को मोदी और योगी हिटलर बनकर चला रहे हैं। आज गरीब आदमी को गुड़ चना तक ले जाकर फेंक दिया है। ऐसे में विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा है, इसीलिए सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया जा रहा है और प्रदेश भर में संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। महिलाओं लगातार बलात्कार से न रोजगार मिल रहा है, न व्यवसाय मिल रहा है। लोगों को लाई चना चावल तक सीमित कर दिया गया है। बिल्कुल हिटलर की राजनीति चल रही है, हिटलर की कापी की जा रही है। चाहे वो मोदी हों चाहे योगी हों, ये दोनों लोग मतलब जो है वो केवल हिटलर की के हिटलर की यही रणनीति थी कि पहले लोगों को भूखे तड़पाया जाए और जब भूख से लोग तड़पने लगें तो उनको कुछ भी दिया जाए रूखा सूखा, वो उसको अपने ऊपर परोपकार उपकार समझेंगे। बिल्कुल उसी रणनीति को अपना रही है भारतीय जनता पार्टी और उसी रणनीति के तहत लोगों को अभी तक कोरोना में तब और पूरा NRC में परेशान किया, मारा पीटा लोगों को। कितना रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या क्या दिक्कतें आईं, किस तरह से लोगों को तो लोगों ने जाने खोई। लोगों ने जिसके घर में बच्चे जिसके अंदर माँ बाप गए हैं, जिन्होंने परिवार के बेटे को खोया है, वही इस दर्द को समझ सकते हैं और क्या क्या हालत हो गई। उसके बाद भी अब उसके बाद लाई चना चावल पे सिमट दिए हैं और लाई दे करके और लोगों को रिझाना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कई बार कहा है सब जगह कि उनका रणनीति देगी, छोटे छोटे दलों से वो समझौता करने जा रहे हैं और इस पे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मीडिया में आकर के कहा है कि वो छोटे दलों से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत सहिष्णु व्यक्ति हैं, सबका सम्मान करते हैं। जो भी उनके साथ खुशी खुशी आना चाहेगा और उनका सहयोग करना चाहेगा, हमें नहीं लगता वो किसी को मना करेंगे। तो इस समय जो वर्तमान सरकार है वो सरकार इस समय अमन चैन खत्म कर चुकी है, उनका दमन चक्र चल रहा है और दमन चक्र के माध्यम से सबसे ज़्यादा निशाने पर उनके कोई तो संविधान है, क्योंकि चाहते हैं संविधान जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी, जो जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो संविधान को रौंदने के लिए, संविधान को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव साहब के अम्बेडकर को मिटा करके वो मनुस्मृति का संविधान लाना चाहते हैं और फिर से मनवाद और फिर से दास प्रथा और शोषित समाज को जो है वो रखना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। इसलिए संविधान को बचाने के लिए और इस उस दौर में गुजर रहा है संविधान कि जब उसकी समझ लीजिए अंतिम सांसें चल रही हैं, काफ़ी कुछ उसको आच्छादित किया जा चुका है, काफ़ी उसको नष्ट किया जा चुका है। इसलिए अब ये जरूरी हो गया कि संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, समाज नहीं रहेगा, एक अच्छा समाज नहीं रहेगा, वो बाबा साहब के संविधान के रहते ही संभव है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने, अधिवक्ताओं ने और समाजवादी पार्टी ने एक बैनर तले एक निर्णय लिया है कि संविधान बचाओ संकल्प यात्रा हम लोग चला रहे हैं। ये संकल्प यात्रा समाजवाद, ये संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में जाएगी। इसकी शुरुआत कल 6 बजे से माननीय नेताजी, राष्ट्रीय माननीय नेताजी पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के आवास से हो चुकी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं।